नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज बिहार का नंबर वन यूट्यूब न्यूज़ चैनल और मैं हूं वसीम खान। तेज प्रताप का दरबार सजा और जो फरियादी है वो भारी जनसंख्या में यहां पे तेज प्रताप के पास आए अपने फरियादों को लेकर। तेज प्रताप ने पत्रकारों से बात किया और कहा कि सरकार पूरी तरीके से बिहार में विफल है, जिसके कारण ही मुझे यहाँ पर जनता दरबार लगाना पड़ा और मैं जो भारी जनसंख्या में जो यहाँ पे आ रहे हैं फरियादी, उनके समस्याओं को मैं हल कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विफल है और जनता सब समझ रही है। और इस बार उनकी जो नीतीश कुमार के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो उनको सीट से जनता उठा देगी और महागठबंधन 400 सीट पे जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ जब पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जो आवाज खाली कर रहे हैं उनका, हो सकता है कि मुंबई दिल्ली सभी जगह पे उनका मकान है इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है, और उनके वो जो आवाज खाली कर रहे हैं तो शायद मैं उसमें चला जाऊं। बहरहाल, देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। नाम से आवेदन है, आवेदन देने वाले के नाम से आवेदन असाइन कर क्या नाम है विधायक क्या नाम है नाम बताइए ओ कुंती जी हेलो और तो है ना, जो से है ना, 1.5 लाख मिला है, मैं उसका गवाह हूँ।